खुशी सेज वे मो समपल से रिलीजन इज नॉट योर एक्सपर्टिज यू आर अराइटर सो यू शूड टॉक अब शुड नॉट टॉक अबाउट दैट What वुड यू say to खुशी दिस this कॉल्ड गेट कीपिंग हर व्यक्ति जो कि रिलीजियस सोसाइटी में रहता है हर व्यक्ति जो कि रिलीजियस रह चुका है हर व्यक्ति जो कि रिलीजियस लोगों के बीच में रह चुका है रिलीजन के बारे में बात कर सकता है ये गेट कीपिंग किस लिए की जाती है ये गेट कीपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो लोगों ने अपना धंधा बना रखा है रिलीजियस प्रोपरगेंटा को स्प्रेड करने के लिए वो चाहते हैं कि उनके आइडियाज क्वेश्चन ना हों वो चाहते हैं कि उनके आइडियाज अगर क्वेश्चन भी हों तो उनके जैसे लोग करें ताकि द डिस्कोर्स रिमेन्स इन दिस अपर कास्ट अपर क्लास स्कॉलरली कोट एंड कोट स्कॉलरली सर्कल पर वो अब नहीं होने वाला सदियों से ये हुआ है सदियों से इन लोगों ने डिस्कोर्स और डिबेट को और कॉन्वर्सेशन को अपने टर्म्स पे किया है अब दूसरे टर्म्स पे ये कॉन्वर्सेशन होने लगी है रिलीजन को देखने का एक तरीका ग्रंथों के जरिए है एक तरीका साइंस के जरिए है एक तरीका रियल लाइफ के जरिए है रिलीजन एकेडेमिया में डिसाइड नहीं होता है एकेडेमिया में रिलीजन के बारे में जो बातचीत होती है उसका असली जिंदगी के साथ हार्डली एवर कोई रिश्ता होता है सो दिस इज जस्ट गेट कीपिंग दिस इज दिस इज ऑन द सेम लाइन्स एज पीपल सेंग की ओनली पीपल ऑफ दिस कास्ट द राइट टू रीड द वेदर्स ओनली पीपल ऑफ दिस कैटेगरी हैव द राइट टू हैव अ discourse अबाउट spiritual मैटर्स वो टाइम जा चुका है वो टाइम को गए हुए सदियों हो गए हैं ये लोग उस टाइम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार जैसे ये लोग हिंदू राष्ट्र को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप इवेंजलिकल क्रिश्चियन देश अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वो लोग कोई इमेजनरी क्रिश्चियन थियोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं इनका असली जिंदगी के साथ कोई रिश्ता नहीं है जब भी कोई ये सब कहे उसको बोलो गेट कीपिंग बंद कर सवाल का जवाब